हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये वाटर लिली में जो ये प्रॉब्लम है। ये देखिए, ऐसे पत्तियाँ ऐसी हो गई हैं। अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था ये पत्तियाँ ऐसी क्यों हो गई हैं। और ये देखिए, फिर मैंने इसका पानी निकाल दिया, सो बाहर निकाल के देखा है तो देखो इसके अंदर आपको स्नेल के छोटे छोटे से बच्चे दिखाई देंगे। बहुत ही छोटे छोटे से हैं, नहीं दिख पा रहे हैं। इधर है, फोकस करती हूँ, देखिए ये रहे, अब दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये रहे, ये ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, दिख रहे हैं। ये स्नेल के बच्चे छोटे छोटे से, देखो कितने सारे। इन्होंने ही ये सारी पत्तियाँ खा ली। पहले समझ में नहीं आता ये पत्तियाँ ऐसी क्यों हो गई हैं। मैंने सोचा शायद कुछ सॉइल की प्रॉब्लम होगी, वो सॉइल चेंज कर दूँ, तो मैंने इसे सॉइल चेंज करने के लिए पानी से बाहर निकाला। तो आप देख सकते हैं इतने सारे स्नेल हैं ये, और इनकी वजह से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था स्नेल ये पत्तियाँ खा लेते इतनी ज़्यादा। लोटस को इतना हार्म करेंगे, लिली को नहीं मालूम था। अभी ये पता चला मुझे, देखो इनकी हालत क्या हो गई है, और सारी ही पत्तियाँ इन्होंने ख़राब कर दी हैं। ये देखो, ये रहा ऊपर एक और स्नेल, ये रही है, बहुत सारे हैं। ये देखो, ये भी है पत्ती में, ये इन्हें मैंने तोड़ दिया है। ये देखो, इसमें भी है पीछे, तो इतना इन्होंने ख़राब कर दी पत्ती। मुझे समझ में नहीं आता ये वाटर लिली में ऐसे क्यों हो गए। अगर आपको ऐसा लग रहा है पत्तियाँ ऐसी हो गई हैं तो उन्हें हटा दें, और ज़्यादा हो जाते हैं तो पत्ती को ही खाने लग जाते हैं। नहीं तो इसके अंदर आप कैबेज के पीस डाल दें तो वो कैबेज की पत्ती को खाने लगेंगे, फिर उन्हें निकाल के फेंक दें। फिलहाल तो आप ऐसे ही करिए कि वो पत्तियाँ ही तोड़ दें और पानी चेंज कर दें, और इन्हें हाथों से ही आप हटा दें। देखिए,